अगर आप स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हो तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसकी मदद से इस दुनिया के अंदर होने वाले बहुत सारे फूड वेस्ट को हम बचा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। वैसे दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर अमेरिका की एक कंपनी काम कर रही है और बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही है। सो उस कंपनी का नाम भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उस कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनसे रेफरेंस ले सकते हैं और उस स्टार्टअप को इंडिया के अंदर भी शुरू कर सकते हैं और जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों वो स्टार्टअप एग्जैक्टली है क्या मैं आपको बताऊं, उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, फूड वेस्टेज आज के टाइम में एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर जितना भी फूड होता है उसका लगभग 1/3% जो होता है वो डस्टबिन में जाता है। हर साल की बात की जाए तो 1.3 बिलियन टन जो फूड होता है वो वेस्ट हो जाता है और इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। दोस्तों आप खुद जानते होंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। जब भी हम हमारे घर के लिए भी खरीदते हैं तो हम ये सोचते हैं फ्रेश खरीद लेते हैं, जल्दी से इसका इस्तेमाल करते हैं 1 या 2 दिन के अंदर, क्योंकि ज्यादा दिन के लिए अगर ये रह गई तो ये खराब हो जाएगी, फिर कोई काम नहीं आएगी, इसको फेंकना पड़ेगा। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम तो हो गई इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग तो बल्क के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब मान लीजिए उनका सामान नहीं बिकता तो ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल खराब हो जाते हैं और उसके बाद में कोई उनको खरीदेगा नहीं तो उनको फेंकना पड़ जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी ये बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ट्रक होते हैं उसके अंदर एक के ऊपर एक चीजें रखी होती है जिसकी वजह से जो नीचे की चीज होती है उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक डेटा बता दूं, पूरे साल भर के अंदर हमारे देश के अंदर जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाए जाते हैं उनमें से 18% ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों ये जो 18% वेस्ट हो गए इनको अगर मैं प्राइस में बताऊं तो इनका प्राइस होता है 13,300 करोड़ रुपए। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि हर साल हमारे देश के अंदर फूड वेस्टेज में हमको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। सो दोस्तों अगर हम ऐसा कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं जिसके अंदर हम इस फूड वेस्टेज को कुछ हद तक कम कर सकें तो एक तो हम हमारे देश का लॉस कम कर पाएंगे और साथ ही साथ में हम इंडिविजुअली अपने लिए पैसे भी कमा पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं, उससे पहले फ्रूट एंड वेजिटेबल के साथ जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसको समझ लेते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। देखिए दोस्तों जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको एक बार तोड़ने के बाद में उनके अंदर से मॉइस्चर जो होता है वो लूज होने लगता है और धीरे धीरे बाहर आने लगता है और बाहर आने के बाद में क्या होता है वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है और वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होने लगता है और जिसकी वजह से फ्रूट या वेजिटेबल खराब होने लगते हैं। तो आप यूं समझ सकते हैं कि एक बार जब उनको तोड़ लिया जाता है तो उसके अंदर से मॉइस्चर है ना बाहर निकलने लगता है और जब मॉइस्चर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एयर के साथ कॉन्टेक्ट में आती है तो वो पर्टिकुलर जो एरिया होता है वो खराब हो जाता है या फिर सड़ जाता है। तो दोस्तों एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं इनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। अब कैसे बढ़ाया जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक तो होता है लिपिड केमिकल और दूसरा होता है ग्लिसरोलिपिड। अब दोस्तों ये दोनों क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये दोनों ना फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर ही होते हैं, ये तीनों जगह पे पाए जाते हैं, जैसे छिलके के अंदर भी होते हैं, पल्प के अंदर भी होते हैं और साथ ही साथ में जो बीज होता है उसके अंदर भी होते हैं। और ये ना जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर हम इन दोनों केमिकल को बाहर निकाल के पाउडर फॉर्म में बना ले और उसके बाद में पानी के साथ मिलाकर अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर छिड़काव करें तो क्या होगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगी और उसके बाद में उनके अंदर से जो मॉइस्चर निकल रहा है वो जल्दी बाहर निकल नहीं पाएगा और जब मॉइस्चर नहीं निकलेगा तो वो एयर के कॉन्टेक्ट में आ नहीं पाएगा और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा नहीं। तो दोस्तों जो चीज 3 दिन में खराब होती है उसको खराब होने के लिए 9 दिन का टाइम लगेगा, तो जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हमको इस चीज के बारे में कैसे पता चला। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अमेरिका की एक कंपनी है जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है, उस कंपनी का नाम है अपील। उस कंपनी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहीं से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टार्टअप आइडिया के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां से और भी जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद में इस स्टार्टअप को इंडिया के अंदर शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये स्टार्टअप इंडिया के अंदर शुरू करना है तो आप किस तरीके से कर पाएंगे और स्टार्टअप शुरू करने के बाद में आपको एग्जैक्टली क्या करना होगा। देखिए दोस्तों इस स्टार्टअप को इंडिया के अंदर आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, अमेरिका का जो स्टार्टअप है अपील उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट को आप इंडिया में लाकर उनके ब्रांड के नाम से बेच सकते हैं।
दूसरा तरीका क्या है कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं और उसको इंडिया के अंदर सेल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो फ्रूट के अंदर ऑलरेडी पाई जाती है, ये आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उनका नाम क्या है, मतलब साइंटिफिक नेम क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन हमने जितना रिसर्च किया उसके हिसाब से हमको पता चला। तो अगर आप भी रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी नाम मिल जाएगा। तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, जिन्होंने भी केमिस्ट्री की पढ़ाई की होगी या कोई साइंटिस्ट आपके आसपास में होगा तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मैं आपको नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हम अथराइज नहीं है। अगर मैं आपको कोई चीज बताऊंगा और मान लीजिए कोई गलत इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच गई तो उससे किसी का नुकसान हो सकता है। सो दोस्तों अगर आप इस स्टार्टअप के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने लेवल पर रिसर्च कीजिए, आपको नाम डेफिनेटली मिल जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने ये स्टार्टअप शुरू कर लिया आइदर अपील कंपनी से कांटेक्ट करके या फिर खुद का प्रोडक्ट डेवलप करके, तो उसके बाद में आप इस स्टार्टअप को दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला, आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेच सकते हैं और जो भी एंड यूजर्स होंगे वो खुद स्प्रे के अंदर डालकर अपने जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल है उनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप भी उनको स्प्रे की सर्विसेज दे सकते हैं। मतलब दूसरा तरीका ये होगा कि वो आपको बुलाएंगे और उसके बाद में आपकी टीम जाएगी और उनके जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उनके ऊपर स्प्रे की सर्विस देगी। तो दोस्तों इस तरीके से स्टार्टअप को आप शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये डिपेंड करेगा आप किस तरीके से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप अपील कंपनी से कॉन्टैक्ट करके काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें आपको अलग पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि अगर आप ये स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके पास कम से कम 10 से 12 लाख रुपए तो होने चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज उतने अच्छे से इस बिजनेस को कर नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी ये स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको बेसिकली किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए सबसे पहले तो उसको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों अगर आप अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या फिर लोगों को स्प्रे की सर्विस देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वेबसाइट चाहिए ही होगी, ताकि लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आ सके और आपके लिए बुकिंग कर सके, मतलब आपके प्रोडक्ट खरीद सके या फिर आपकी सर्विस के लिए बुकिंग कर सके। सो इसके लिए आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये जो वेबसाइट है आप किसी भी वेबसाइट बनाने वाली कंपनी से बना सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है तो आप वर्डप्रेस की मदद से खुद भी ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं कि इस तरीके की वेबसाइट कैसे डिजाइन की जा सकती है वर्डप्रेस की मदद से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। दूसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंसेस। देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा और कंपनी को रजिस्टर करने के बाद में आपको ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। देखिए आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कस्टमर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसलिए आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ में ये जो है फूड से रिलेटेड बिजनेस है तो आपको FSSAI का लाइसेंस भी लेना होगा। इसके अलावा आपका ये जो बिजनेस है वो ऑनलाइन बिजनेस है तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको GST भी मस्ट होता है, तो GST रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना होगा। सो दोस्तों अगर आप ये स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी और कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको एक ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा। ऑफिस सेटअप करने के लिए आपके पास कम से कम 400 से लेकर 500 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए ताकि उसमें लोग बैठ के आपके साथ काम कर सके। इसके अलावा एम्प्लॉयज की बात की जाए तो इनिशियली आपको 3 से 4 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों आपको इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है अगर आप इस स्टार्टअप को इंडिया के अंदर शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अगर आप इस तरीके का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि स्टार्टअप को शुरू करने के बाद में आप कितने तरीके से पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों पैसे कमाने के तरीके भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। सबसे पहला तरीका, आपका जो प्रोडक्ट होगा उसको डायरेक्टली सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप स्प्रे की सर्विस प्रोवाइड करके भी पैसे कमा सकते हैं। और तीसरा तरीका, आपके प्रोडक्ट्स को आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करके भी पैसे कमा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो फूड वेस्टेज की प्रॉब्लम है ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है। मैं अगर आपको एक डेटा बताऊं तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितना भी फूड बनता है उसमें से ऑलमोस्ट 14% जो फूड होता है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो आपके स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के थ्रू आप एक तो फूड वेस्टेज को बचा सकते हैं और साथ ही साथ में जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।